हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएसटी फैसिलिटी। जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा था, उसमें हमने आपको रिसेप्शनिस्ट के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको उनको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको उन दो इंटरव्यूज को में आंसर करना है, हमने उसमें आपको बताया। सेम है, हम इस वीडियो में रिसेप्शनिस्ट के क्या क्या जॉब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। तो जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो एज अ रिसेप्शनिस्ट, तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जैसे कोई गेस्ट आते हैं या कॉल पे होते हैं, तो आप किस तरह से उनसे बात करते हैं, किस तरह से आप उनसे ग्रीट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप एक कंपनी का फेस है, आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से आप उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बिहेव करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप किस कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपकी कंपनी कैसी है। बिकॉज उसी के बेस पे वो आपकी कंपनी को जज करते हैं कि वेदर योर कंपनी इज गुड और नॉट। तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बिकॉज जब आप एक रिसेप्शन पे वर्क करते हैं, तो आप किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा जो आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आप उनको बता रहे हैं गेस्ट को या कॉल पे या फिर सामने, तो एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि वो समझ पाए। और सेकेंडली, आपको उनकी पूरी क्वेरी अच्छे से सुननी होती है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप उसको आंसर कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सारी चीजें उनकी अच्छे से सुननी होती है, और जो आंसर उनको देना है वो एकदम आपको सही होना चाहिए, जो उनके मतलब का हो और वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अवर थर्ड पॉइंट इज एफिशिएंट कॉल हैंड। तो जब हम रिसेप्शन पे वर्क करते हैं, तो बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आती है, तो हमें किस तरह से उन्हें हैंडल करना होता है। जैसे हमारे पास कभी कभार कॉल्स आती हैं, कोई क्वेरीज के लिए कॉल्स आती हैं, और कभी कभार ट्रांसफरेबल कॉल्स आती है कि हमें कॉल ट्रांसफर करनी होती है अपने डिपार्टमेंट में। तो उस चीज को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ये बहुत ही जरूरी होता है आपके लिए जानना। क्योंकि जब हम जैसे कॉल्स आई आपके पास, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो उनकी क्वेरीज होती है, अगर आपको वो चीज पता है, देन आप उन क्वेरी का उनको आंसर करेंगे। सेकेंडली, उसके बाद कोई कॉल आती है जो आपको ट्रांसफर करनी है, देन फिर आप वो कॉल जो है अपने डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं। इस टाइम पे ऐसा होता है कि आपके पास दो तीन कॉल लगातार आ रही है, देन आपको एक कॉल पिक करना है, अगर वो ट्रांसफरेबल है, उसे ट्रांसफर करके आप दूसरे कॉल पे बात कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉल को हैंडल करना होता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे फोन कॉल, और जब गेस्ट आते हैं तो उनसे मिलना, उनके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और पूरी ऐसी सारी चीजें आपके मल्टीटास्किंग के अंदर आती हैं। बिकॉज एक टाइम पे कई चीजें हो जाती है ना, आपको किस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कॉल पे हो, उस टाइम पे कोई गेस्ट आ गया, तो आपको चेक करना वो गेस्ट किससे मिलना चाहता है, या आपका कंसर्न आपसे है, उस हिसाब से आपको अपनी कॉल और गेस्ट दोनों का मैनेज करना होता है। अगर किसी कंसर्न पर्सन से मिलना है कॉलिंग मीटिंग, तो अपनी कॉल को आप थोड़ी देर होल्ड पर रखें, अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको होल्ड पे करके आप उसको कंसर्न पर्सन को मीटिंग रूम के लिए भेज सकते हैं, एंड देन आप अपनी कॉल अटेंड कर सकते हैं। सेम एज इफ अगर जो आते हैं, जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्हें थोड़ी देर बैठा के देन आप अपनी कॉल अटेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मल्टीटास्किंग के अंदर आती है। सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। तो हमारे इस पॉइंट के अंदर आता है, जो भी हमारे बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज आती हैं, उनको सुन के उन्हें आंसर करना, एंड देन उसके बाद जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, क्वेरीज लेके उनकी क्वेरीज को सुन के उनकी क्वेरीज को रिजोल्व करना, और इन्हें इन्फॉर्मेटिव आंसर। तो अवर सिक्स पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो एज अ रिसेप्शनिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है जो हर रिसेप्शनिस्ट के अंदर होना चाहिए, द प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो, तो आप जो होते हो कंपनी का जो होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हो। जो भी विजिटर क्लाइंट आते हैं, उससे पहले आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी जो भी क्वेरीज होती है, क्वेरीज को सुन के उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना, उसी टाइम पर उनको एक एक आंसर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो अवर सेवन पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है, जैसे कि अब हमारे पास डेली में बहुत सारे टास्क होते हैं, कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, गेस्ट होते हैं, तो उनको टाइम के हिसाब से आपको अरेंज करना होता है कि किस टाइम पे क्या करोगे, और आपकी जो प्रायोरिटीज होती है, जो इम्पोर्टेंट है,
उस हिसाब से आपको मैनेज करना होता है ताकि आपका वर्क जो है वो स्मूथ चले, और उसके बाद आपका जो वर्क है वो टाइमली उसी दिन खत्म हो जाए। तो एज अ टाइम मैनेजमेंट आपको चीजें मैनेज करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अवर 8th पॉइंट इज विजिटर लॉग मैनेजमेंट। तो विजिटर लॉग मैनेजमेंट में जो होता है, जब हम रिसेप्शन पे वर्क करते हैं तो हमारी एक लॉग बुक होती है जिसमें सारी चीजें एज अ रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। जैसे कोई क्लाइंट या कस्टमर या कोई भी आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उसमें उनका नेम, वो कहाँ से आए हैं, वो किस पर्पज से हमारे यहाँ पे आए हैं, किससे मिलने आए हैं, सेकेंडली वो किस टाइम आए हैं, किस टाइम वो जाते हैं, वो उनका साइन हम उस पूरी लॉग बुक में मेंटेन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता रहता है कि कौन कौन हमारे यहाँ पे आए विजिट के लिए एंड किस कंसर्न से आए थे। इफ इन केस अगर हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है तो वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होती है लॉग बुक। उसमें हम चेक कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में कौन कौन हमारे ऑफिस में आए थे, किस किस से मिले थे। तो ये सारी चीजें उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लॉग मैनेजमेंट। तो 9th पॉइंट इज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर आती है, जैसे हमारी आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज हैं बहुत सारी, आपको यूज करनी आनी चाहिए ताकि आपका जो डेली का टास्क है वो स्मूथली हो जाए और वो एरर फ्री हो। उसमें बहुत सारी चीजें आती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड उसके साथ में आपको प्रिंटर, फैक्स मशीन एंड स्कैनर, ये सारी चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए ताकि आपका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छे से और टाइमली पूरा हो। तो 10th पॉइंट इज मेंटेनिंग प्राइवेसी। जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो जो इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन, के क्लाइंट्स जो होते हैं, विजिटर्स होते हैं, कहीं की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें सेफ रखनी होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो वो आप कैसे सेफ रखेंगे? आप उनको एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेल शीट में सेव करके रखेंगे ताकि वो चीज लीक ना। तो हमारा 11th पॉइंट है टीम प्लेयर। तो आप एज अ रिसेप्शनिस्ट, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए टीम प्लेयर की, क्योंकि आपको जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको एज अ रिसेप्शनिस्ट सबको उनको हेल्प करना होता है, उन्हें सपोर्ट करना होता है अलग अलग चीज़ों में, जैसे फाइल मैनेज करना, फाइल फिल करना, और उन सब चीज़ों में आपको हेल्प करना होता है। क्योंकि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका लास्ट में एक ही एम होता है, एक ही गोल है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो। तो एज अ टीम प्लेयर आप बन के आपको उनकी हेल्प करनी। तो अवर 12th पॉइंट इज ऑफिस सप्लाई मैनेजमेंट। तो जब आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो हमें जो ऑफिस में जो चीजें सप्लाई होती है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जैसे पेंट्री सप्लाई हो गई, स्टेशनरी सप्लाई हो गई, तो कितनी अमाउंट में वो चीजें हमारे पास है या नहीं है, वो कब खत्म होगी, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ताकि जब भी वो चीज हमारे पास खत्म होने वाली हो या उसका एंड हो तो वो चीज हम मंगा लें, ताकि हमारे ऑफिस का जो वर्क है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी चीजें बहुत ही स्मूथली हो जाए। तो ये चीजें हमको मेंटेन करनी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि रिसेप्शनिस्ट के क्या जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।